गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से बताएं, ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है? आवाज मेरी आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अभी बता दो, क्योंकि दोबारा मेहनत करवाते हो तुम लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए। तो स्टार्ट करना है, आज जो टॉपिक है हमारा वो है एमएस वर्ड का, ठीक है? तो एमएस वर्ड हम स्टार्ट करेंगे, और एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे आज से। आपका जो ईमेल वाला पार्ट है, हमने ईमेल वाले पार्ट में कवर कर लिया कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करा दिया। सब कुछ क्लियर है? आज कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ हो तो पहले ही बता देना, ताकि क्लास पहले एंड कर सकूं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड या ऑफिस की अगर हम बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, तो ओवरऑल आपके पेपर में, जैसे पुराना पेपर जब 2010 का था तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो अभी ये 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, तो इस बार हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चन में आपका एमएस ऑफिस का जो पार्ट बनेगा, मेरे हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन का पार्ट यहां से आना चाहिए, 5 से 7, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसका पार्ट एक एक्सेल वाला भी अलग से दिया गया है। तो 2 यूनिट तो यही है, 2 यूनिट टोटल 4 यूनिट है, और 4 × 5 = 20 ऑलमोस्ट, अगर हम दो, 4 × 2 = 8, 4 2 2 क्वेश्चन हर यूनिट से अगर हम बात करें, तो 4 × 5 मतलब वही 5 से 7 क्वेश्चन के बीच आपका यहां पर आएगा इस पूरे ऑफिस से, जिसमें ऑफिस में अगर हम बात करें तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनसे मिलाकर आपके टोटल आपके 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक कोई समस्या तो नहीं होगी? सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कि हमें एमएस ऑफिस को पढ़ने के लिए एमएस वर्ड खोलना है, हमको एमएस वर्ड कैसे ओपन करेंगे, ये स्टेप आपको लिखना है। तो आप एमएस वर्ड को ओपन करने का स्टेप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहला स्टेप होगा कि क्लिक ऑन सर्च बार, क्लिक ऑन सर्च, सर्च बार, हाँ, नियर अबाउट, नियर टू स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टार्ट बटन के जो नियर में आपका है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे सर्च बार पर। दूसरा हम लोग कहेंगे कि सर्च एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, सर्च एमएस वर्ड एंड इंटर प्लीज, प्लीज क्लिक ऑन एंटर बटन, ठीक है, एंटर बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो आपके एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे सिंपल सा है, यहां पर हम गए, आप एमएस वर्ड आपने सर्च किया, आपका पहले आ गया, आप यहां से वर्ड क्या करेंगे, सर्च करके ओपन कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन आपका है एमएस वर्ड का, बाकी आप एमएस वर्ड पुराना मतलब 2010 वाला है वो एमएस वर्ड यहां से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं कि आपका एमएस वर्ड तो ओपन हो गया, एमएस वर्ड ओपन होने के और क्या क्या है, एक और सिस्टम है आप कैसे कर सकते हो, आप विंडोज बटन के साथ, विंडोज बटन के साथ आप रन कमांड, आर बटन दबाओगे तो आपका एक रन विंडो ओपन होगा, और रन विंडो पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, आपको लिखना है विन वर्ड, क्या लिखना है, विन वर्ड, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। कैसे, विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे, ध्यान दीजिए, विंडोज के साथ हम लोग आर बटन दबाएंगे तो ऐसे रन कमांड आपका आएगा सामने, देखिए। अब यहां पर विन वर्ड आप लिखोगे, ओके करोगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड ओपन करने का आपका हो गया कि कैसे हम वर्ड को ओपन करेंगे। इसके बाद से हम आगे के प्रोसीजर करेंगे क्वेश्चन वाइज, और कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखिए एमएस वर्ड में जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो साफ साफ यहां पर बोला गया है आपसे, क्या, हाँ, क्या बोला गया है कि, या ध्यान दीजिए, जैसे पहले बोला गया कि
ये स्टेप परफॉर्म करना है आपको फॉलोइंग ऑपरेशन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे बोल्ड फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, है ना, राइट द स्टेप, आपको राइट स्टेप लिखना है कि आपको अगर ये परफॉर्म करना ऑपरेशन कि आपके पैराग्राफ कई सारे लिखे हुए हैं और आपको सिर्फ पहला वर्ड आपको हाईलाइट करना है, पहला वर्ड बोल्ड करना है। ये सब मैं कराऊंगा, आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, अभी कॉपी भी चेक होगी आपकी। फिर पूरे पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा ओनली उसको इटैलिक करना है और हर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, पैराग्राफ जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ। तो देखना क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, उस अकॉर्डिंग आपको स्टेप बनेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका देखोगे तो यहां पर आपसे है, ये देखो एक ये भी है आपका वर्ड का ही क्वेश्चन है कि ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सेंट वन सेट ऑफ क्लाइंट कंफर्मिंग ऑल डिटेल्स ऑफ द कस्टमर होटल, अनफॉर्चुनेटली द नेम ऑफ द होटल पिटमिडन होटल हैज बीन टाइप पिट मॉडल होटल। ठीक है, होटल का नाम आपका अलग से टाइप हो गया है एक डॉक्यूमेंट में, तो कई जगह सेवरल टाइम्स डॉक्यूमेंट में आपके अलग नाम टाइप हो गया है। तो वो बोला क्या ऑपरेशन सारे डॉक्यूमेंट में नाम बदलना संभव है, इट इज पॉसिबल टू चेंज अ नेम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इन वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के जरिए क्या सभी में जहां जहां ये आपका चेंज हुआ है, पिटमिडन होटल हुआ है ना, पिटमिडन हैज बीन टाइप एज, जहां पिट मॉडल हुआ है उसे पिटमिडन बोलना है, वो क्या एक ऑपरेशन में बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। किस ऑपरेशन से? आप कहोगे आपका फाइंड एंड रिप्लेस जो आता है कंट्रोल एच जब आप करोगे उसी ऑपरेशन से आपका बदल सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ आपको यस नो में देना है, यदि हाँ तो कौन सा इस्तेमाल होगा। यहां पर आपको सिर्फ यस लिखना है और यहां पे वो फीचर के बारे में लिखना है, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होगा। ठीक है, और उसके बाद से यहां बोला है डिस्क्राइब हाउ दिस फीचर कैन बी यूज इन द अबव एग्जांपल, ऊपर के एग्जांपल पे हम कैसे वो फीचर लगाएंगे, मतलब कुल मिला के आपको फाइंड एंड रिप्लेस का स्टेप लिखना है इस वाले में, सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद से आपका देखो ये भी जो क्वेश्चन है, बोला बिफोर ए ब्राउजर इज सेंट ए पब्लिशिंग, एक ब्राउजर है पब्लिश होने से पहले अ पैराग्राफ हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम पेज नंबर वन, उसके पेज नंबर वन से एक पैराग्राफ डिलीट किया गया, विच फीचर एंड हाउ इज टू यूज इन एम एस वर्ड टू प्रिवेंट द टेक्स्ट ऑफ पेज नंबर टू मूविंग ऑटोमेटिकली पेज नंबर वन, किस फीचर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो आपके पेज नंबर टू में, पेज नंबर टू में पैराग्राफ है वो हम पैराग्राफ पेज नंबर वन के पैराग्राफ को, अगर एक पैराग्राफ को डिलीट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पेज नंबर टू का कोई भी पैराग्राफ ऊपर आ जाए, पेज नंबर वन पे आ जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो कौन से फीचर से ऐसा हो सकता है? तो वो फीचर होता है सेक्शन ब्रेक। क्या होता है बेसिकली? उसको कहा जाता है सेक्शन ब्रेक। आप सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक का ही फीचर होता है, उसी के स्टेप आपको यहां पर लिखने हैं। उसके बाद से यहां पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, फिर आपका है हाउ कैन इंसर्ट एन ऑनलाइन पिक्चर इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है, हाउ टू क्रिएट ए कस्टम वाटरमार्क इन एमएस वर्ड, ये भी देखिए एमएस वर्ड का है, कस्टम वाटरमार्क लगाने के लिए आपको स्टेप लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद से बोला राइट स्टेप टू इंसर्ट ए कैप्शन इन इमेज यूजिंग एमएस वर्ड, ये भी एमएस वर्ड से क्वेश्चन है। तो एमएस वर्ड के एक दो आपके तीन चार पांच और यहां देखा जाए तो छह क्वेश्चंस तो आपके एमएस वर्ड से आए थे, तो वो 100 नंबर का पेपर था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड का ही वेटेज ज्यादा रहेगा, मैंने कहा 5 से 6 क्वेश्चन टोटल आएगा, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से रहेगा। चलिए आगे की आज कार्रवाई करते हैं, हम लोग एमएस वर्ड को पढ़ते हैं। अभी तक कोई समस्या वीडियो में रुक के चल रहा हो, खचखच कर चल रहा हो, जो भी समस्या हो एक बार बता दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएस वर्ड को, और आपका पहला यहां पर हम लोग स्टेप देखेंगे एक क्वेश्चंस के जरिए, हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहला हमारे पास है, ये पीपीटी में आपको बनाता हूं कि आपके कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख के समझा देता। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आज का, जो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, और इसकी प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे। बोला है हाउ टू चेंज ए पेज ओरिएंटेशन, हम वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कैसे करेंगे। आज बढ़िया चल रहा है, चलो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है, नए वर्जन में जाओगे तो लेआउट में होता है,
आप 2010 में अगर नए वर्जन की बात करें 365 में जाओ या 2016 में जाओ या 2019 वर्जन में जाओ तो लेआउट में आपका ओरिएंटेशन होता है। अगर हम 2007 से और 2010 के बीच की बात करें, इन वर्जनों की बात करें, 2010 के वर्जन की बात करें, तो इसमें आपका एक टैब होता है जिसे हम लोग पेज लेआउट टैब बोलते हैं, उसी पे आपका होता है। तो सबसे पहले कुछ मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी, वो तो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास में भी मैंने आप लोगों को दे दिया था। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो आपको ये सामने दिख जाता है। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट वन दिखता है, ये बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है आपके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, फाइल नेम होता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बोले आपसे तो वो डॉक्यूमेंट वन के नाम से होता है। और वो जो जिसपे आपका डॉक्यूमेंट के फाइल का नाम होता है, उस बार को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं एमएस वर्ड में। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपके लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स आपको दिखते हैं जिनको हम लोग क्विक एसेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन सभी को क्विक एसेस टूल बार बोलते हैं। ये सभी क्लास ये चीजें, ये बेसिकली जो आपको मतलब फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा रखा है। तो थ्योरेटिकल क्लास आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर अच्छे से, ताकि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर दे सको। और क्विक एसेस टूल बार इसलिए होता है कि आपके काम को आसान करने के लिए। मान लो एमएस वर्ड में आपको बार बार कोई भी चीज जरूरत है, कोई मान लो टेबल ही आपको बनाना है, तो आपने टेबल इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट टेबल इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्विक एसेस से ही टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए होता है आपके काम को सहज करने। उसके बाद से ये जो दिखता है फाइल, होम, इंसर्ट, बाय डिफॉल्ट आपका जो होम टैब होता है, होम मेनू होता है, वो आपके एमएस वर्ड में एक्टिव मेनू होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव मेनू पूछ ले आपसे तो कह देना आप लोग होम होता है। अब ये आपका पूरा मेनू बार होता है, और ये जो एक रिबन आपको दिखता है ना, ये पूरा जैसे होम आपका खुला है तो ये पूरा एक इसके अंदर दिखता है, ये पूरा आपका जो होता है इसको रिबन कहा जाता है। और जितने भी ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये आपके उस रिबन के अंदर ग्रुप्स बने हैं। और उस ग्रुप्स के अंदर आपके देखिए जैसे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, हाईलाइट, उसके बाद से कलर टेक्स्ट, ये सभी चीजें आपके क्या होते हैं, इन सभी को कमांड बोला जाता है, उस ग्रुप के ये कमांड है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास में भी बताया था। अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें पेज ओरिएंटेशन को चेंज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। आप लोगों को ये दिख रहा है, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ, सबसे पहले यहां बोले लॉन्च अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या आप बोल सकते हो ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ओपन के स्टेप भी आप यहां पर लिख सकते हो, या डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच यू वॉन्ट टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें जिसमें हमें पेज ओरिएंटेशन चेंज करना है, उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना है कि आप पहले वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद आप सबसे पहले आप जो भी आपको जिस भी मान लो किसी भी उसमें ऐसा कि मान लो यहां पर मेरे पास यहां पर उत्तर प्रदेश भूगोल है, यहां पर एक वो है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है आपका, और इस डॉक्यूमेंट का मुझे लेआउट चेंज करना है। सपोज करिए इसका लेआउट चेंज करना है, तो पहले हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन किए जाके, तो वही आपका पहला स्टेप आपका यही बोला गया है कि फर्स्ट स्टेप में हम ओपन द डॉक्यूमेंट विच यू वॉन्ट टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या बोला है कि क्लिक द लेआउट टैब। अब हम लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब पर हम क्लिक करें, तो पेज लेआउट टैब या लेआउट टैब, अभी आपको मैंने एक एमएस वर्ड यहां पर दिखाया था, ये देखो ये वर्ड है ना, इस ये वर्ड आपका 365 लेटेस्ट वर्जन वर्ड है। यहां पे देखिए आपको लेआउट जो है लेआउट मिल रहा है, यहां पर पेज लेआउट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वर्जन की बात करूं आपके जो 2010 है, इसीलिए यहां पर कोई आपसे एग्जाम में वर्जन नहीं पूछेगा। एग्जाम में सही चल रही है क्लास, एग्जाम में वर्जन नहीं पूछेगा आपसे, बस स्टेप पूछेगा कि स्टेप क्या होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा कि आप लेआउट या पेज लेआउट ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर आपको देखिए पेज लेआउट दिख रहा है, और वही जो आप एडवांस वर्जन में जाओगे तो ये पेज लेआउट ना होके ये लेआउट हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहां बात करते हैं कि लेआउट टैब पर हम क्लिक करेंगे जो ऑन द रिबन एट द टॉप ऑफ द विंडो।
रिबन के टॉप ऑफ द विंडो पे होता है। यहां पर आपको इंगित भी किया गया है, मैं फिगर भी लगा दिया हूं यहां पर। इसके बाद से आप इन द पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, वही मैंने कहा कि ये सभी ग्रुप होते हैं, ये आप यहीं से इन द पेज सेटअप ग्रुप जाएंगे, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन। उसके बाद से आप ओरिएंटेशन, एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा यहां पर, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सही चल रहा है अभी क्लास आप लोगों का, जल्दी से बताओ। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, जिसमें आपके दो पोजीशन रहेंगे, पोर्ट्रेट रहेगा और लैंडस्केप रहेगा। अगर हम बात करें कि पोर्ट्रेट आपका जो होता है वो कैसा होता है, तो पोर्ट्रेट आपका जो व्यू होता है, बेसिकली ध्यान देना बच्चों, पोर्ट्रेट जो व्यू होता है उसका जो व्यू होता है इस प्रकार से होता है। इसमें हमने आपको थ्योरेटिकल क्लास में भी बताया था कि इसकी जो, अगर हम इसको, अगर हम ब्रेथ माने, हाइट माने, और इसको मान लो हम इसकी क्या मानते हैं, चौड़ाई मानते हैं, कि ये हमारी चौड़ाई है और ये मेरी हाइट है। तो अगर इसकी मैं विड्थ मानता हूं, चौड़ाई है, तो इसमें हाइट जो होता है वो विड्थ से ज्यादा होता है। ठीक है, और लैंडस्केप की बात करते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, लैंडस्केप कुछ ऐसा लेटा हुआ आपको मिलता है, तो लैंडस्केप में जो आपकी ये जो चौड़ाई है, ये देखो ये जो विड्थ है और ये आपकी जो है हाइट है। ठीक है, यहाँ पे विड्थ आपकी जो होती है वो हाइट से ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही दो आपको ऑप्शन दिखते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद से बोला है क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट, सेट द ओरिएंटेशन टू वर्टिकल, और लैंडस्केप सेट द ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल। आप जो भी चूज करना चाहते हैं, आप वर्टिकल लेना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली आप अपने ओरिएंटेशन को रखना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू सेलेक्ट। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। हिंदी भाषी बच्चों के लिए मैंने पूरे स्टेप यहां पर लिख दिए हैं, कि मतलब 6 स्टेप में आप अपने पेज का ओरिएंटेशन पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके परफॉर्म करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड ओपन करने पर हमारे पास हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपका ओपन हुआ है। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे पेज लेआउट ऑप्शन पे। लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद हम पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, देन क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन। जैसे ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू आपका खुल जाएगा, चूज योर ओरिएंटेशन। आप अपना अपने हिसाब से ओरिएंटेशन, अभी बाय डिफॉल्ट इस पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, मुझे लैंडस्केप करना है तो मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगा। अब इसका जो व्यू देख रहे हो ये चौड़ा हो गया, तो ये इसका जो व्यू बदल गया वो लैंडस्केप में बदल गया। ठीक है, आप इसको फिर से आप चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। तो ये हम यहां से, जैसे ही आपने क्लिक किया आपका पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इतना ही स्टेप आपको लिख के बताना है, और यही जब हम नए वर्जन में जाओगे तो यहाँ लेआउट में जाओगे, लेआउट के बाद आपको पेज सेटअप ग्रुप में जाना है, यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाना है और लैंडस्केप कर दोगे तो ऐसे आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका नया वर्जन है, उससे कोई मतलब नहीं होता है किसी भी वर्जन से, बस आपको सामने आपको मैंने दिखा दिया कि नए वर्जन में लेआउट नाम से होता है, जो पेज लेआउट है उसमें भी पेज ग्रुप होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी के पास सिस्टम होगा तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग देखे होंगे और इसे अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। अगली बात आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करें, क्योंकि पूरे वर्ड में मैंने 60 क्वेश्चन आपके रखे हैं कराने हैं, मुझे 60 क्वेश्चन में पूरा वर्ड आपका फिनिश कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। यहां पे हम देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करें, यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बस उसने हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर नहीं लिखा। अब हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर में दो वे हो जाता है, कि पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो आप अपने डिवाइस से, मतलब कोई पिक्चर आप अपने डिवाइस मतलब अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करके, यहां ध्यान रखिए, अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करके कोई भी आप रख सकते हो, और दूसरा एक बन जाता है कि आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी एक स्टेप लिख दोगे ना तो वो चलेगा, अगर दोनों लिख दिए तो हो सकता है एग्जामिनर, जैसे मैंने कहा मान लो दोनों 3 नंबर का है तो आपसे एग्जामिनर खुश हुआ, 2.5 नंबर आपको दे दिया अगर आपने कोई एक स्टेप लिख दिया। अगर बाय द वे आपने यहां दोनों लिख दिया क्योंकि यहां पर इंसर्ट ए पिक्चर लिखा है तो आप दोनों बता सकते हो, और लगा के आप यहां पर ऑनलाइन पिक्चर के भी बता सकते हो, तो वो हो सकता है खुश होकर आपको 3 में 3 नंबर दे दे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ध्यान रखिए।
अब हम इंसर्ट करना है पिक्चर को, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। और यही क्वेश्चन आपके पूछा गया था, बस उसमें क्वेश्चन में एक चीज लिख दिया गया था या मेंशन कर दिया गया था कि ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑनलाइन पिक्चर मोड से आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो फिर आप डिवाइस वाला मेंशन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब वो बोल देगा क्वेश्चन में कि इसी तरह से इंसर्ट करना है तो फिर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर जहां नहीं बोला है और आपको लगता है कि इसके दो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, तब आप मेंशन कर सकते हो। अगर एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया कि हमें यही चाहिए तो फिर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बात करते हैं अब लोग कि कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि लॉन्च अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंसर्ट करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पहले ओपन करेंगे वर्ड को, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी प्रैक्टिकल इसका मैं बताऊंगा। फिर बोला है क्लिक द लोकेशन, उसके बाद से हम लोकेशन पे क्लिक करेंगे इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर। हम उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे जहां हमें पिक्चर को उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई सरसराहट, घरघराहट, मरमराहट तो नहीं हो रही है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। अब उसके बाद आपको इंसर्ट मेनू टैब में, आप इंसर्ट मेनू टैब भी लिख सकते हो या सीधे टैब भी लिख सकते हो। ऑन द रिबन एट द टॉप ऑफ द विंडो जो होता है उसी पर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे जो आपको यहां दिखाया गया है। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इन द इलुस्ट्रेशन ग्रुप, है ना। उसके बाद से हम कहां जाएंगे, इन द इलुस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे हमारा, गो टू द इलुस्ट्रेशन ग्रुप आप लिख सकते हो, या इन द इलुस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर। उसके बाद से हम क्लिक करेंगे किस पर, पिक्चर पे, ठीक है। इतना स्टेप तो सब में रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन करना हो, चाहे आपको ऑफलाइन मोड में करना हो, आपके डेस्कटॉप से करना हो या लैपटॉप, मतलब आपके डिवाइस से करना। इसके बाद से जो पांचवा स्टेप है बच्चा, उसमें लिखा है चूज दिस डिवाइस टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर से इंसर्ट करना है, लिखा है आपके क्वेश्चन में कि कंप्यूटर से या डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट करिए, तो आप यहां तक लिखोगे, बाकी ये लाइन नहीं लिखोगे। अगर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया वैसा है तो आप दोनों लिख सकते हो और लगा के जैसे यहां पर लिखा गया है। मेरी बात समझ गया, जैसा मेरा क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आता है, तो आप दोनों मेथड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें से कोई भी मेंशन कर दिया एग्जामिनर ने कि ऑनलाइन पिक्चर ही इंसर्ट करना है, तो सिर्फ आप ये वाला यहां से पोर्शन यहां से लेकर यहां तक ऑनलाइन के लिए लिखोगे, ये वाला पोर्शन नहीं लिखोगे, और ये ध्यान रखिएगा ऑनलाइन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, कल भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। तो चूज करेंगे जिस भी पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है। फिर यहां पर देखो लिखा है अ फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन एंड नेविगेट टू द लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर वेयर द पिक्चर इज स्टोर्ड। आपका एक फाइल एक्सप्लोरर विंडो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर आपसे बोला है कि आप जब विंडो ओपन हो जाएगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है चलना, आप खोजना। नेविगेट का मतलब आप कह सकते हो खोजना या ढूंढना ऐसा। तो आप खोज सकते हो लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में वो लोकेशन जहां पिक्चर आपका स्टोर है। तो जहां पर पिक्चर आपका स्टोर है उसको आप खोजिए, उस फोल्डर को खोजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, सेलेक्ट द पिक्चर फाइल, और उसके बाद से आप उस पिक्चर फाइल को सेलेक्ट करिए एंड क्लिक द इंसर्ट, आप इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये करेंगे आपका इंसर्ट हो गया। अभी ये जो नंबर है आपको इससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए। अभी आपका इस नंबर से मतलब नहीं है, ये ऑनलाइन के लिए है। आपका ऑफलाइन मोड में पिक्चर इंसर्ट हो गया, उसके बाद से आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, वंस द पिक्चर इज इंसर्टेड, है ना। वंस द पिक्चर इज इंसर्टेड यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द कॉर्नर टू रिसाइज इट। अगर पिक्चर इंसर्ट हो गया, अगर आप उसको रिसाइड करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड ड्रैग द पिक्चर रिपोजिशन विद इन द डॉक्यूमेंट। ये बोल रहा है कि आप पिक्चर पे क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हो कहीं भी डॉक्यूमेंट में। तो ये एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा है, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 9 और 10 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है।
आपको पिक्चर इंसर्ट यहीं तक आपका हो जाता है कंप्लीट, बेसिकली आपका साथ ही स्टेप तक आपका पिक्चर इंसर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब पिक्चर को साइज या रिसाइज करना, लिख दे कि पिक्चर इनसाइड इंसर्ट करो और उसको साइज या रिसाइज करो या उसको उसकी पोजीशन को चेंज करो, तो आपके ये दो स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इंसर्ट करने की बात करें तो दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा आते हैं ऑनलाइन वाले मेथड पे। तो ऑनलाइन वाले मेथड पे आने पर फिर हमें ये स्टेप नहीं लिखना है, 6 नंबर और 7 नंबर स्टेप नहीं लिखना है, सीधे हमें इसका ये वाला 6 नंबर लिखना है, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट जब करना है। तो एन ऑनलाइन पिक्चर सर्च विंडो विल ओपन, जब हम ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो एक सर्च विंडो आपका ओपन हो जाएगा, इंटर ए सर्च टर्म एंड फाइंड ए पिक्चर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें एक आपका ऐसे सर्च विंडो आ जाएगा, फिर यहां पर हम कोई भी चीज टर्म्स डाल के सर्च करेंगे। जब सर्च करोगे तो सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर, उसके बाद से आपको कई सारे पिक्चर आ जाएंगे जो आपने सर्च किया है सर्च रिजल्ट से, और क्लिक इंसर्ट, आप उसमें से सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, वंस द पिक्चर इज इंसर्टेड, जब पिक्चर आपका इंसर्ट हो जाएगा, यू कैन क्लिक एंड ड्रैग इट कॉर्नर इट टू रिसाइज इट, तो वो आप आगे कर सकते हो। अदरवाइज आप यहीं पर भी क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो कि आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लिख दोगे कि पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट, पिक्चर आपका इंसर्ट हो गया डॉक्यूमेंट में। अगर आपको रिसाइज और ड्रैग ड्रॉप करने के लिए या उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो मैंने बोला है स्वेच्छा है, आप इस 9वें और 10वें स्टेप को आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। तो चलिए इसकी अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं, अगर मान लो मुझे कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, यहां पर मैंने यहां पर माउस कर्सर यहां पर मैंने क्लिक किया, सपोज करो यहां पर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, मैंने कर्सर क्लिक किया, फिर हम कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड गो टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे हम कोई भी इसमें से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया, क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू, या नेविगेट जहां पे आपको पिक्चर, आप नेविगेट द फोल्डर वी वांट टू स्टोर पिक्चर फाइल, तो हमने पिक्चर फाइल में गया और मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। अब मेरा यहां पर देखिए इंसर्ट हो गया ये पिक्चर, अब पिक्चर इंसर्ट तो हो गया, इंसर्ट होने के बाद ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप यहां से देखिए इसके कॉर्नर को ऐसे करके, यहां से करके आप ध्यान दीजिए ऐसे करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप करना है तो इसके पोजीशन को मैंने मान लो अभी मैं यहां पर इस लाइन के बाद इंसर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर आ गया, देखो ऊपर लाइन आ गई, तो वैसे आप पोजीशन भी इसमें चेंज कर सकते हो जैसा बताया था। तो ये तो मेरा मेथड हो गया आपका कि डिवाइस से मुझे पिक्चर इंसर्ट करना। अगर ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना है तो ऑनलाइन का जो मेथड है वो 2010 में नहीं है, वो आपको 2010 के एडवांस वर्जन में आपको मिलेगा, ऑनलाइन वर्जन में मिलेगा। अब हमें देखिए मान लो इंसर्ट करना है तो हम सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट पे, सपोज करो मैंने फाइल यहां पर ओपन कर लिया, सपोज करिए मेरे पास ये फाइल है, ठीक है मेरे पास ये फाइल है और मैं इसमें इमेज इंसर्ट करना चाहता हूं, यहां पर मैं इमेज, यहां कर्सर रखा, मैं यहां पर गया इंसर्ट टैब पर, फिर पिक्चर पे जब जाओगे तो यहां जब क्लिक करोगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर पे जाओगे, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। अब इस ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर आपको शो हो रहा है, तो इस ऑनलाइन पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर सर्च करिए एनिमल, एनिमल का सर्च किया मैंने, एनिमल सर्च करने के बाद देखो यहां पर आ गया, कोई भी आप एनिमल यहां से सर्च करके आप इंसर्ट करते हो, क्लिक कर दो जिसको भी आपको सेलेक्ट करना और इंसर्ट कर दो। देखिए यहां पर वो पिक्चर आ गया, अब आपका फिर से आप इसको रिसाइज कर सकते हो, इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने का लेटेस्ट वर्जन के एमएस वर्ड में है। आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है वो जरूर एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये तो हो गया कि कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करें, इतनी चीजें आप सभी को समझ में आई, जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए।
फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताओ आज कोई समस्या हो रही हो तो बताओ, बताइए जल्दी से फटाफट सभी लोग। चलो कोई बात नहीं है संजू, 2010 वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कहीं भी क्वेश्चन में देखिए 2010 के पेपर में कहीं भी वर्जन लिख के बोला है, कहीं नहीं ने बोला है। उस समय तो 2007 भी बहुत फेमस था, जब आपका एपीएस का वो पेपर हुआ था उस समय 2007 ही सबसे ज्यादा चलता था, तो कहीं भी नहीं माला गया था। चलिए चलिए आज सब बढ़िया चल रहा है। चलिए राजेंद्र जी कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अगला हमारा क्या होगा, हिंदी मीडियम के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है भाई कि आपको कैसे करना है स्टेप्स आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो हाउ टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, कैसे हम बुलेट लिस्ट अपने में इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग यहां पर स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, है ना, ओपन एमएस वर्ड के स्टेप्स लिखेंगे, देन ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें हम बुलेट लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं इफ यू ऑलरेडी हैव द टेक्स्ट, अगर आपके पास, देखिए ये स्टेप आपको देखना है जरूरी, कि अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट है दैट यू वांट टू टर्न इनटू अ बुलेट लिस्ट हाईलाइट दैट टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट है तो आप उसे क्या करिए, आप उसे बुलेट लिस्ट में करना चाहते हैं, यू वांट टू टर्न इनटू बुलेट लिस्ट, तो हाईलाइट करिए, मतलब आप उस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा बोला है अगर आपके पास नहीं है, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लिस्ट, अगर आप न्यू लिस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, मान लो आप पहले के टेक्स्ट में बुलेट नहीं लगाना चाहते हो, आप नए टेक्स्ट में बुलेट लगाना चाहते हो, इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू लिस्ट प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू स्टार्ट द बुलेट लिस्ट, आप कर्सर को प्लेस करिए जहां से आपको नया लिस्ट क्रिएट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्लिक ऑन द होम टैब, फिर आप होम टैब पर क्लिक करिए, एंड होम टैब ऑन द रिबन एट द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप पे होम पर क्लिक करिए, गो टू द पैराग्राफ ग्रुप, हम पैराग्राफ ग्रुप पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन द बुलेट बटन, किस पर, बुलेट बटन पे हम क्लिक करेंगे। आप यहां पे बुलेट बटन की जगह पर बुलेट बटन बनाकर थोड़ा सा आप ब्रैकेट पे आप यहां ऐसे ऐसे करके आप उसका डायग्राम भी खींच सकते हो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में, ये आप आइकन लगा सकते हो, इट लुक लाइक थ्री स्मॉल डॉट्स विद लाइन नेक्स्ट टू देम। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये चीज बना दिए तो, बुलेट बटन पे क्लिक करें क्योंकि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप ये क्रिएट कर लोगे तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करना है, ध्यान, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बुलेट। अब आपको क्या करना है कि ड्रॉप डाउन एरो जो वहां पर बुलेट के बगल में दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, चूज द डिफरेंट बुलेट स्टाइल इफ डिजायर, अगर आपको कोई बुलेट स्टाइल जो भी आपको जरूरत है, जैसा आप चाहते हो अच्छा बुलेट लेना वैसे आप यहां से चूज कर सकते हो, ठीक है। देन सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू, ड्रॉप डाउन मेनू, आप जो भी आप लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। इफ यू आर क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट टाइप योर फर्स्ट लिस्ट आइटम एंड प्रेस इंटर, आप चाहते हो कि आपका मतलब इफ यू आर क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट टाइप योर फर्स्ट लिस्ट आइटम, पहले आप पहले आइटम टाइप करो देन इंटर कर दो, जैसे इंटर करोगे ए न्यू बुलेट विल ऑटोमेटिकली अपीयर फॉर द नेक्स्ट आइटम, ठीक है, एक नया आइटम के लिए आपका बुलेट अपने आप आ जाएगा। तो वही बोला है यू आर क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट, जब आप नया लिस्ट क्रिएट कर लेंगे टाइप ए फर्स्ट लिस्ट, आप पहला लिस्ट आइटम डाल दोगे तो आप प्रेस इंटर, प्रेस इंटर करने से अ न्यू बुलेट विल ऑटोमेटिकली विल अपीयर फॉर द नेक्स्ट आइटम, नेट आइटम के लिए आपका बुलेट अपीयर हो जाएगा। उसके बाद से बोला है यहां पर कि कंटिन्यू टाइपिंग योर लिस्ट आइटम प्रेसिंग इंटर आफ्टर इच वन, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लिस्ट बड़ी हो तो आप कंटिन्यू टाइप करते जाइए लिस्ट आइटम के और इंटर प्रेस करते रहिए हर एक के बाद, तो आपका लिस्ट क्रिएट होता जाएगा। उसके बाद से बोला कि कैसे हम बुलेट को स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपसे बोले तो आपको ये स्टॉप बुलेट का फीचर लगाना है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। टू स्टॉप द बुलेट लिस्ट प्रेस
इंटर ट्वाइस, दो बार आप इंटर को दबाइए, आपका बुलेट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड क्लिक द बुलेट बटन अगेन, टर्न ऑफ द बुलेट फीचर, और बुलेट बटन पे क्लिक कर दीजिए, तभी भी आपका बुलेट बनना बंद हो जाएगा अगर आप बुलेट को स्टॉप करना चाहते हैं। तो चलिए इसके प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चलेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट में सपोज करो मेरे पास पहले से है, यहां पर मैं नया क्रिएट करना चाहता हूं। सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे नया यहां पर क्रिएट करना है। सपोज करो यहां पर मुझे नया आपको क्रिएट करना है, तो बुलेट मुझे नया क्रिएट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा यहां पर माउस, जहां से आपको बुलेट क्रिएट करना है। फिर हम होम बटन पे जाएंगे, होम टैब पे, एंड गो टू द पैराग्राफ ग्रुप एंड क्लिक द बुलेट बटन, है ना। देन जैसे आप क्लिक करेंगे बुलेट बटन पे, चूज योर बुलेट यू वांट टू डिजायर, जो आपको स्टाइल पसंद हो आप क्लिक कर लीजिए, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। देन इंटर, आपका नेक्स्ट बुलेट आ जाएगा। देन आप लिखिए एपीएस बैच, देन इंटर, उसके बाद से कुछ भी आप लिखते जाइए, ठीक है। तो आपका ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बनता चला जाएगा, आपका लिस्ट तैयार होता जाएगा। अगर एक और था कि अगर इफ यू हैव ए लिस्ट, आपके पास पहले से टेक्स्ट है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये टेक्स्ट है, सपोज करो मेरे पास ये टेक्स्ट है, अब मुझे इसमें बुलेट लगाना है, तो सेलेक्ट योर टेक्स्ट फर्स्टली, देन क्लिक ऑन द बुलेट बटन, देन आपका बुलेट आपका बन गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। अब ये है कि आपका बुलेट जैसे यहां पर आपका आ गया था ना, सपोज करो आपने कुछ यहां और टाइप कर दिया, आपने क्लिक किया, आप चाहते हो बुलेट ना बने अब, तो आप क्या करो, डबल इंटर मार दो, सपोज करो हाँ यहां आपने डबल इंटर मार दो, आपका बुलेट बनना बंद हो जाएगा, या आप सीधे इस पर बटन पे क्लिक कर दो, तभी भी अब आगे बुलेट नहीं बनेगा। तो इतना ही आपको बुलेट लगाने में करना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए आगे आते हैं। बुलेट तो आपका क्रिएट हो गया, बुलेट क्रिएट करने के बाद आते हैं हम लोग अब हाउ टू चेंज अ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम लोग अब चेंज करेंगे कि कैसे लाइन स्पेसिंग को चेंज किया जाए। तो अभी तक कोई समस्या किसी को, जल्दी से एक बार बताइए लाइन स्पेसिंग को चेंज करने के लिए। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे लाइन स्पेसिंग को कैसे चेंज किया जाए। चलिए ठीक है, चलो नो समस्या, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि कैसे हम चेंज लाइन को, मतलब लाइन में स्पेसिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू चेंज अ लाइन स्पेसिंग। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि लॉन्च अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग, ठीक है। हम सब ये जैसे आप लोग ईमेल में था ना कि हम लॉग इन करेंगे, ओपन योर जीमेल, देन इंटर योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ओपन योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो वो स्टेप सब में कॉमन था, वैसे ही आपको यहां पर भी वर्ड ओपन करना है एंड ओपन द डॉक्यूमेंट विड यू वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग, जिसमें आपको चेंज करना है वो चीजें आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या आप खुद से क्रिएट कर सकते हो यहां पर, अगर डॉक्यूमेंट वेर यू वॉन्ट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग, या आप लिख सकते हो इंटर सम पैराग्राफ लाइन देन यू I want to change the line spacing, तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब बोला है हाईलाइट द टेक्स्ट ऑफ विच यू वॉन्ट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग। इफ यू वॉन्ट टू चेंज अ लाइन स्पेसिंग फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। बोला है जिस भी लाइन के स्पेसिंग आपको चेंज करना है, आप उसको या तो सेलेक्ट कर लो, जैसे यहां पर देखो सेलेक्ट किया गया है, आप उसे सेलेक्ट कर लो, या आपको चाहिए इफ यू वॉन्ट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट,
पूरे डॉक्यूमेंट के लाइन स्पेसिंग को आप बदलना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो पूरा टेक्स्ट, ठीक है, दोनों बता दिया, एंड क्लिक ऑन द होम टैब, फिर होम टैब पर आप क्लिक करो, ऑन द रिबन टॉप ऑफ द विंडो गो टू द पैराग्राफ ग्रुप एंड क्लिक ऑन द लाइन एंड स्पेसिंग बटन। अब लाइन एंड स्पेसिंग बटन का यहां डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लाइन एंड स्पेसिंग बटन को आप ऐसे यहीं पर बना सकते हो कि कैसे होता है कि एक एरो होता है जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है और लाइनें कुछ ऐसे होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आइकन बना दोगे तो इट लुक्स लाइक अ लाइन ऑफ टेक्स्ट विद वर्टिकल्स एरो पॉइंटिंग अप एंड डाउन, वही वर्टिकल्स एरो यही अप एंड डाउन को जो पॉइंट कर रहा है। तो अगर आपने ये बना दिया यहां पर तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक दिमाग में कैचिंग आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर कि कैसे हमें करना है। उसके बाद से अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू आपको अपीयर होगा विद सेवरल लाइंस स्पेसिंग ऑप्शन, जिसमें कई सारे लाइन के स्पेसिंग ऑप्शन होंगे, जैसे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ये सब ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद से क्लिक ऑन द डिजायर लाइन स्पेसिंग, आप डिजायर लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट करिए, ऑप्शन टू अप्लाई एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट, अप्लाई टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट हो गया। अब बोला है यहां पर एक अलग से कस्टम लाइन स्पेसिंग, जो अगर आपको इसके अलावा गैप चाहिए स्पेस में 2.5, 3, 2.0, 1.5 के, तो आप कस्टम लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हो। ये जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने लिखा है इसीलिए ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं आपको। आपसे लाइन स्पेसिंग की बात करें तो आपके यहीं तक आपका खत्म, स्टेप 6 स्टेप तक आपका खत्म हो गया। इफ यू नीड मोर स्पेसिफिक लाइन स्पेसिंग क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अगर आपको कस्टम चेंज करना है तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद। इसके बाद से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपका एक ओपन होगा, देखो ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। गो टू द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, यहां पर एक इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब है, यहां पर जाएंगे और उसके बाद से आप स्पेसिंग सेक्शन में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। अब यहां स्पेसिंग सेक्शन में जाएंगे एंड एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेनू एट द सेट एट, अब हम यहां से एडजस्ट कर देंगे अपने लाइन स्पेसिंग को और यहां पर हम वैल्यू डाल देंगे कि हमें कौन सी वैल्यू नीडेड है उसके लिए। और जैसे आप करोगे क्लिक ऑन ओके टू अप्लाई द कस्टम लाइन स्पेसिंग, तो यहां पर आपको कस्टम लाइन स्पेसिंग मिल जाएगा। चलिए हम लोग करके इसको देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें कुछ स्पेसिंग करना है। सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन में, ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसमें मुझे स्पेसिंग करना है, इस लाइन की स्पेसिंग करना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं होम पे गया, पैराग्राफ में गया और मैं स्पेसिंग वाले पर क्लिक किया, मुझे ड्रॉप डाउन मिला और मैं इसमें 3.0 स्पेस कर दिया। ठीक है, तो स्पेस जब किया तो इसके वजह से, क्योंकि ये लाइन यहां तक भी आई है ना, इस वाले लाइन में आई है, इस वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ना करके मैं सिंपल सा इतना सेलेक्ट करता और यहां पर मैं स्पेसिंग करता, है ना, यहां हमने स्पेसिंग कितना क्रिएट किया, तो यहां पर आपका स्पेस होना, सब में स्पेस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी लाइन पर आप क्लिक करोगे, चाहे कहीं कर्सर रख के भी करोगे ना, कर्सर रख के भी करोगे तो सबके बीच में लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्टेड करोगे तभी होगा, आप किसी भी कर्सर पे कहीं भी, मान लो मुझे यहां पे चेंज करना है तो यहीं पर नहीं चेंज होगा, वो पूरे पैराग्राफ में आपकी लाइन स्पेसिंग चेंज हो जाती है। ये देखिए आपको पूरे पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। अगर आपको पूरा एक साथ करना है तो आप सेलेक्ट ए कर दो, फिर इस पर क्लिक करो, फिर आपको जो स्पेसिंग लेना है आप स्पेसिंग करके क्लिक कर दो, आपके सभी पैराग्राफ में एक साथ हो जाएगा। आप पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ में एक करना चाहते हो तो आप या उसको सेलेक्ट कर लो या आप उस के कहीं भी किसी भी लाइन के आगे कर्सर को डाल दो, आप सीधे क्लिक करो और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक कर दो तो आपके सभी पर लाइन स्पेसिंग मिल जाएंगे।
आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एपीएस संजू जी सर हाईलाइट करें या फिर कर्सर को भी रख दें तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, आप कर्सर भी रख दोगे तभी भी हो जाएगा, आप लाइन भी चूज करना चाहते हो तभी भी हो जाएगा, अदरवाइज किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसके बाद से हमने बोला है कि मुझे कस्टम करना हो तो कस्टम करना है, मान लो मुझे इस पैराग्राफ में कस्टम करना है, तो कस्टम करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे गया, इस पर क्लिक किया, इंडेंट एंड स्पेसिंग है, और फिर मैंने स्पेसिंग पर गया और स्पेसिंग पे जाने के बाद मैंने यहां से डबल लाइन चूज कर लिया और यहां पर स्पेसिंग मैंने 5 की कर दी, मल्टीपल स्पेसिंग कर दिया, मेरे लाइन मल्टीपल है, यहां पर 5 की स्पेसिंग क्रिएट हो गई, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां से देखो इसको करूंगा ना, 3 की स्पेसिंग तो कम हो जाएगी, और कस्टम में जब मैंने यहां पर जाकर किया इसको, इसकी 5 की स्पेसिंग कर दी, तो ये देखो 5 की स्पेसिंग ज्यादा हो गई। जो वैल्यू है यहां पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ही है जो मेन वैल्यू है, बाकी इसके अलावा किसी वैल्यू पे करना है तो आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्पेसिंग सेक्शन में जाना है और यहां पर आपको वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया कि कैसे हमें स्पेसिंग लगाना है लाइन के बीच में। चलिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्या है देख लेते हैं, आगे का हमारा है कि कैसे हम लोग इंसर्ट करें एक टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ये मैंने कल होमवर्क दिया था, अभी कॉपी भी चेक कर लिया जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के बाद आपकी कॉपी हम चेक करेंगे। जैसे बोला है सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, फिर ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फिर उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे, चाहे आप सीधे बोल सकते हो ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद से ओपन ए एनी डॉक्यूमेंट, सीधे आप बोल सकते हो ओपन ए एनी डॉक्यूमेंट, ठीक, या कंट्रोल एन बोल सकते हो। यहां मैंने बोला है ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है उस आप डॉक्यूमेंट को ओपन करो, क्लिक एट द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, जहां आपको इंसर्ट करना है वहां पर क्लिक करिए, यहां पर माउस से क्लिक कर दिया, फिर आपको बोला है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद से आपका इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन, हम टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, देखिए ये टेक्स्ट ग्रुप है, और फिर टेक्स्ट बॉक्स बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, अ वैरायटी ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, पहले से प्री फॉर्मेटेड आपको टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल यहां पर दिखेगा ड्रॉप डाउन में, आप इसमें से क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल इंसर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी डिजायर्ड स्टाइल आप कर लो और इंसर्ट कर लो, तो ये एक हो गया साधारण। उसके बाद से बोला है अल्टरनेटिवली क्लिक द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द मेनू ड्रॉ कस्टमाइज टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कस्टमाइज टेक्स्ट बॉक्स करना है इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग से है, ड्रॉ ए कस्टम टेक्स्ट बॉक्स, ये आपको मैंने अलग से बताया कि आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको इसमें से नहीं कोई पसंद आया तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ करने के लिए उसके अलग स्टेप है, वो जब आपसे बोले एग्जाम में, जब आपसे क्वेश्चन बोले तब आपको ये स्टेप देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर आपका स्टेप समाप्त हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, तो कस्टम करना है तो उसके लिए क्या करना है, इफ यू सेलेक्ट ए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तब आपको क्या करना है, यहां पर एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करना है, एंड क्लिक द ड्रैग कर्सर इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स टू द डिजायर साइज, जिस भी साइज को आपको चाहिए आप कर्सर को वहां रखिए और ड्रैग करिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इंटर द टेक्स्ट, क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स स्टार्टिंग टाइप टू इंटर योर टेक्स्ट, फिर आप वहां कर्सर पे क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे हमारा उसी में है फॉर्मेट ए टेक्स्ट बॉक्स, ये भी जरूरी नहीं है जब तक क्वेश्चन में ना बोले, फॉर्मेट का मतलब होता है उसको सजाना, फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग का मतलब हो जाता है सजाना, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ना बोले तो आप एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, इसलिए मैं यहां पर इसको बताते जा रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है कि इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स विद फॉर्मेटिंग, तो आप पहले तो इंसर्ट तक जाओगे, यहां पर यहां तक कर लोगे, उसके बाद से फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यहां से स्टार्ट कर दोगे, यूज द फॉर्मेट टैब दैट अपीयर व्हेन द टेक्स्ट बॉक्स इज सेलेक्टेड टू कस्टमाइज विद द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहां पर आपको फॉर्मेट खुलेगा
उसके बाद से आप यहां से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे करना है चलिए आते हैं यहां पर, जैसे एक एक करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि सपोज करो मुझे यहां पर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मुझे यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, इंसर्ट टैब पर जाऊंगा, फिर मैं यहां पर टेक्स्ट ग्रुप में जाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा। इसमें से मुझे अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन अच्छा लग रहा है मैं ले लूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो इंसर्ट कहां पर मैंने किया था, यहां पर, मुझे यहां पर करना है। मैं यहां गया, इंसर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स पे गया और ये आपका डिजायर जो दिख रहा है मैंने इंसर्ट कर दिया। ये आपका इधर आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा, वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो मुझे आप ड्रॉप करके आप कर सकते हो, यहां से आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐसा लगा तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपका इंसर्ट तो हो गया, आपको कर्सर यहां रखना है, फिर इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करोगे तो आपका ऐसा प्लस नाइन आ जाता है, जहां आपको ड्रॉ करना है आप ऐसे ओपन करके खींच दो, जितना भी चौड़ा करना है आप खींच लो, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स आ गया, वैसे ही आपका फॉर्मेट विंडो यहां ओपन हो जाता है। इसको फॉर्मेट करना है तो आपको मान लो इसके शेप को फिल करना है तो आप शेप को भी फिल कर सकते हो, इसमें कलर डाल सकते हो, इसके आउटलाइन का कलर बनाना है तो आउटलाइन का कलर आप चूज कर सकते हो, मान लो मैंने रेड कलर चूज कर लिया। इसमें ऐसा कुछ लगाना चाहते हो तो इस प्रकार से आपका बॉक्स को आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो फॉर्मेट ऑप्शन से। तो वही आपका बोला था, फिर इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का आपको मैंने बता दिया कि करना कैसे, आपको इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाना है। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मान लो मैंने यहां पर कर्सर लिख दिया, अब टेक्स्ट बॉक्स में जाना है आपको, डिजायर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कस्टम ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर इंसर्ट आपको करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हमारा जो है वो है हाउ टू एड अ पेज नंबर, हम कैसे पेज पर पेज नंबर ऐड करेंगे उसके बारे पर बात करेंगे। और उससे पहले आप लोगों की कॉपी देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग कॉपी हमें दिए थे। ठीक है, चलो एक बार कॉपी देख लेते हैं किसकी आई है। यस, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दीजिए एक बार। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा ना कि यहां पर अगर आपको आए कि हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो कोई जरूरी नहीं आप यहीं तक आप समाप्त कर दीजिए, आप यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, जब तक ना लिखे कि कस्टम टेक्स्ट बॉक्स करना है। हाँ, लोकेशन वाला स्टेप रहेगा, लोकेशन वाला स्टेप आपको डालना है कि कहां पे आप लिखना चाहते हो। ठीक है, वो रखिए कि क्लिक एट द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, जहां आपको इंसर्ट करना है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं आपके कॉपी पर। जैसे यहां पर ये शायद संजू जी की कॉपी है, नाम लिख के भेजा गया, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का है। लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन द डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, बहुत बढ़िया। देन गो टू द इंसर्ट टैब, बहुत बढ़िया। ऑन द रिबन एट द टॉप ऑफ द विंडो, बहुत बढ़िया। इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन, देन सेलेक्ट वन ऑफ द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द लिस्ट एंड सेलेक्ट ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और ये इन्होंने दोनों लिख दिया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर कोई बोला नहीं है तो आप दोनों कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि टेक्स्ट बॉक्स पे बटन पे क्लिक करिए, देन सेलेक्ट वन ऑफ द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द लिस्ट और सेलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, दोनों आपने दे दिया, बहुत बेहतरीन। एक ही स्टेप में आपने दोनों समझा दिया, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, तो इंसर्ट आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको प्री फॉर्मेटेड भी मिल जाएगा और आपको कस्टम वाला भी लेना है तो कस्टम वाला भी ले सकते हो।
अच्छा है ये आपने एक ही स्टेप में आपने दोनों को बता दिया। फिर इफ यू सेलेक्ट ए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, हाँ ये एकदम बढ़िया है, आपने स्टेप लिखा। अगर आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एंड देन ड्रैग टू ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स साइज इफ यू वांट दैट यू वांट, एकदम सही है, जो आप चाहते हैं वैसा आप ड्रॉ कर लें। बहुत बढ़िया संजू जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, एकदम मेरे हिसाब से आप पूरे की पूरे 3 में 3 नंबर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ध्यान रखिए। अगले है हमारा ये जो आपके एग्जाम में आया था पेपर में, लॉन्च द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन द डॉक्यूमेंट वी वांट टू चेंज, है ना, सेंड टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस एंड प्रेस कंट्रोल बटन इन द कीवर्ड एंड लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, क्लिक बोल्ड इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब बार, टाइप द कीवर्ड शॉर्टकट और टाइप, अच्छा और आपने लिखा है कंट्रोल वी, टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। आप फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस आप कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट करके यहां पर रखेंगे और उनको, जैसे मान लो एक हर एक सेंटेंस का पहला वर्ड, पहला सेंटेंस ये हो गया, फिर कंट्रोल, फिर ये हो गया, फिर आपका ये सेंटेंस हो गया, इसका पहला वर्ड हो गया, इसमें हम गए और उसके बाद से होम पर किए और बीट कर दिए, हमारा बोल्ड हो गया। आपने सही स्टेप दिया है कि टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, हम ईच सेंटेंस का पहला वर्ड सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस कर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले होल्ड कंट्रोल, पहले आपने लिखा है जो यहां पर टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, तो पहले आप लिखिए यहां पर कि आप पहले क्या कर रहे हो। पहले आपका स्टेप ये है कि आपने जैसे सपोज करो मैंने कंट्रोल दबाया है, फिर देखो यहां पर पहले सेलेक्ट किया फर्स्ट वर्ड, देन प्रेस कंट्रोल, ठीक है, होल्ड कंट्रोल, देन सेलेक्ट द ईच वर्ड ऑफ ईच ईच लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, ठीक, देन क्लिक ऑन द बोल्ड आइकन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, संजू जी कहां गया आपकी कॉपी, कि हम टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस देन प्रेस कंट्रोल एंड होल्ड इट, है ना, आपको क्या लिखना है यहां पे, टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, है ना, देन प्रेस कंट्रोल एंड होल्ड इट, ठीक है, उसको होल्ड करे रहें, देन सेलेक्ट द ईच वर्ड, देन सेलेक्ट द ईच वर्ड ईच लेटर, ये तो बोला है आपसे, क्या बोला था, ईच फर्स्ट वर्ड, सेलेक्ट द, आपसे पहले वर्ड की बात किया गया है ना, फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, तो पहले वर्ड का आपका बोला गया है, तो ऐसे आपने जैसे मैंने पहला वर्ड हमारा ये है ना, हाँ पहला वर्ड ये है, इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने कंट्रोल प्रेस किया है, मान लो यहां पर है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर आपका यहां पर है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर आप बोल्ड कर दिए, ठीक है, तो ऐसे करके, तो वही आपने बोला देन सेलेक्ट द ईच वर्ड ऑफ सेलेक्ट द वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, देन सेलेक्ट द वर्ड ऑफ नेक्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, नेक्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है, यहां पर आप बस इतना लिख सकते हैं टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, यहां ईच की जगह टू सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, देन प्रेस कंट्रोल बटन एंड होल्ड इट एंड देन सेलेक्ट द ईच वर्ड ऑफ नेक्स्ट रिमेनिंग सेंटेंस, फिर उसके बाद से क्लिक बोल्ड इन द फ्रंट
क्लिक बोल्ड इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब बार। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या आप सीधे लिख सकते हो क्लिक ऑन द होम टैब बार एंड गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन द बोल्ड बटन। ठीक है, या आप सीधे लिख सकते हो और टाइप द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी। तो ये स्टेप सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी सब सही है। उसके बाद देन सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्लिक द, अच्छा उसके बाद से आपका ये स्टेप खत्म है। यहां पर पहला यहां पर खत्म हो गया है, बी इटैलिक करना है तो इटैलिक के लिए अलग से आपका स्टेप अलग से काउंट होगा। देन सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्लिक द इटैलिक इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब एंड टाइप शॉर्टकट की कंट्रोल आई। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले होम टैब लिख दो तो और बेटर रहेगा। उसके बाद से आपने इसके लिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ ओनली, पहले पैराग्राफ के लिए, तो देन सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, सही लिखा है। एंड उसके बाद से आपको जस्टिफाई करना है सभी पैराग्राफ को, तो जस्टिफाई करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा संजू जी, आपने यहाँ पे सब कुछ एक साथ कर दिया लेकिन ये क्वेश्चन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसके लिए स्टेप आप लिखोगे जो जैसे लिखे लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, उस ये आपका स्टेप तो इसके लिए है ही है, लेकिन वही स्टेप इसके लिए भी होगा, वही स्टेप इसके लिए भी होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको ये चीजें लिखनी है, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन आपके अलग क्वेश्चन का है, तो आप पहला स्टेप इसका लिखोगे, पहला स्टेप वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, देन सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, फिर क्लिक द इटैलिक वाला, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, हाँ ये जो दोनों है वो आपके सी के लिए है, तो सी के लिए इसमें भी पहला स्टेप आप वही लिखोगे कि हाँ पहले लॉन्च द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देन ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू जस्टिफाई, ठीक है। तो अब ऑल द, उसके बाद से देन करोगे सेलेक्ट ऑल द पैराग्राफ विद द शॉर्टकट की कंट्रोल ए, गो टू द होम टैब इन द पैराग्राफ सेक्शन अंडर द अलाइनमेंट सेक्शन सेलेक्ट जस्टिफाई, सेलेक्ट द पैराग्राफ विल बी जस्टिफाई एंड, और यहां पर शॉर्टकट की बता सकते हो, और प्रेस क्या, और क्या लिख सकते हो यहां पर सीधे, और प्रेस कंट्रोल जे, जे से जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो और प्रेस कंट्रोल जे फॉर्म कीवर्ड, ऐसे लिख सकते हो। तो जैसे आपने ये लिखा ना संजू जी, ये देखो सातवां स्टेप यहां पर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ऐसे ही इन सबको भी लिखो जो आपने यहां पर लिखा, क्लिक बोल्ड इन द फ्रंट ग्रुप, तो वही चीजें आप लिखो ना, गो टू द होम टैब एंड इन द फॉन्ट ग्रुप सेक्शन अंडर द बोल्ड से बोल्ड, है ना, चाहे आप फॉन्ट ग्रुप सेक्शन क्लिक ऑन द बोल्ड बटन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, सबके स्टेप अलग अलग लिखने, जैसे ये वाला पोर्शन आपका यहां से यहां तक जो आपका आया, कहां गया, ये यहां से यहां तक आपका जो आया वो आपका आया किसके लिए, वो आपका आया ए के लिए हो गया। अब उतना ही यहां पर भी आपको पहला स्टेप आपको लिखना है, पहला स्टेप कौन सा, जो आपने ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है, ये पहला स्टेप इसमें भी आएगा जो बी के लिए होगा, बी हेडिंग डालोगे उसके लिए होगा। यहां पर आप जब लिखने जाओगे कॉपी में तो यहां पर आप सी हेडिंग डालोगे और क्वेश्चन डालोगे, उसका पहला स्टेप भी वही होगा लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद से आप अपने ये दोनों स्टेप लिखोगे तो आपका जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही है, आपको ऐसे करना है, ये ध्यान रखिएगा, सही है आपका, अच्छा है, इसमें आपने सही प्रयास किया है, ये भी सही प्रयास किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे सभी लोग लिख के दिया करो भाई, सबके हाथों में मेहंदी लग गई है, सब शादी करने जा रहे हो कि नहीं दे पाते हो, लिखने में क्या है, अगर यहां नहीं लिखोगे तो बाकी वहां एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो चलिए आगे की जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी आपको होमवर्क में मैं दे दे रहा हूं कि आपका होमवर्क में यही क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको आज बताया है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा कि कैसे पेज नंबर को इंसर्ट करना है, ठीक है। एक तो आपका ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक ये लिख के लाना है और दूसरा आपको क्या लिख के लाना है, दूसरा आपको लिख के लाना है
यहां मैं बता दे रहा हूं, वो भी आप लिख के लाइए कि कैसे हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का कैसे यूज करेंगे इस दोनों क्वेश्चन, फॉर्मेट पेंटर हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर, हाउ टू यूज द फॉर्मेट पेंटर और हाउ टू इंसर्ट अ पेज नंबर, ये लेके आइएगा कल, लिख के आप सभी लोग ले आइएगा तो कल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जब लिख के लाते हो ना और जो मैं यहां बताता हूं तो और मजा आएगा, वही चीज आप लिख के लाओगे, वही चीज मैं देखूंगा, वही चीज मैं यहां बताऊंगा, तो उससे और क्लियरेंस बढ़ता जाएगा आप सभी के। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज के वीडियो में कोई समस्या हुई हो तो बता देना भाई, मैं पूरी कोशिश किया हूं, पूरे टेक्निकल टीम से बात किया हूं कि भाई बच्चों को दिक्कत ना हो। मुझे दिक्कत होती है कि तुम लोग बाद में कहते हो सर जी फिर से पढ़ा दो, तो चलो पढ़ा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा ना दूं, लेकिन यही में डर लगता है कि कहीं आपका एग्जाम जल्दी ना हो जाए। चले बहुत बढ़िया संजू जी, आपकी एनर्जी देखकर लगता है कि इस बार आप समीक्षा अधिकारी एकदम तय हैं। चलिए बस स्टेनो आप आपका अच्छा हुआ हो तो ये तो अच्छा होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वे वो बहुत बढ़िया है।